जानिए हमारी भोजपुरी हीरोइनें किस कास्ट से बिलोंग करती हैं। जी हाँ, भोजपुरी हीरोइनों के बारे में उनके फैंस हर छोटी सी छोटी बात जानना चाहते हैं, तो हम भी हर छोटी सी छोटी बात बताना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आम्रपाली दुबे से। तो आम्रपाली दुबे ब्राह्मण है और ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखती हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं उनकी बेस्ट फ्रेंड अक्षरा सिंह की तरफ। तो भाई अक्षरा सिंह क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय समाज से बिलोंग करती हैं और इन्हें लोग ठाकुर साहब भी कहते हैं। और आगे बढ़ते हुए चलते हैं शुभी शर्मा की तरफ। तो भाई शुभी शर्मा मारवाड़ी हैं और मारवाड़ी में ब्राह्मण मारवाड़ी हैं। जी हाँ, ये मारवाड़ियों के ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखती हैं। सेम उसी तरह मधु शर्मा भी मारवाड़ी हैं और मारवाड़ियों में वो ब्राह्मण समाज से ही ताल्लुक़ रखती हैं। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं काजल राघवानी की। भोजपुरी दिलों की धड़कन काजल राघवानी का जन्म पुणे में हुआ, यहीं उनकी पढ़ाई हुई। और काजल राघवानी है गुजराती और गुजरातियों में ये लोअर कास्ट से बिलोंग करती हैं, कास्ट के हिसाब से ये बनिया हैं। और आगे बढ़ते हुए चलते हैं रानी चटर्जी की तरफ। जी हाँ, रानी चटर्जी एक मुस्लिम संप्रदाय से बिलोंग करती हैं और मुस्लिमों में ये शेख हैं। जी हाँ, सब्या शेख नाम है इनका और आपने कई शेखों की कई कहानियाँ सुनी होगी। खैर, और अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अंजना सिंह की। तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि अंजना सिंह भी क्षत्रिय है और ये ठाकुर समाज से बिलोंग करती हैं। अब बात करते हैं प्रियंका पंडित उर्फ गार्गी पंडित की। तो भाई इनका भी ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजरात में ही बीता है, लेकिन ये ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।